देखते हैं भाई कितना आरपीएम तक जा पाता हूँ मैं। के बाइक का ओवरऑल मेरे को जो कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक्सपीरियंस के बारे में मैंने बात कर ली आपको, राइड क्वालिटी के बारे में बात कर ली, फ्यूल इकोनॉमी कितना देती है अपने इंडियन कंज्यूमर्स के लिए भाई सबसे पहली बात। थोड़ा मैनूवरिंग देखते हैं इसकी, यस सारी चीज़ों की जानकारी, कैसा एग्जॉस्ट नोट है इसका सबसे पहली। Tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी गाइस। सो मेरे पास में N160 नई वाली 2024 एडिशन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ में, वो ये देखिए पूरा के पूरा नया मॉडल है, और हमारे साथ चल रहा है चेतक भी, और मैं हूँ इस समय खेमका बजाज आगरा पर। और देख लो भाई, जैसा कि वादा किया था जल्दी N150 के बाद N160 का हम रिव्यू करेंगे, एक बार फिट एंड फिनिश गाड़ी के देख लो, लुक देख लो, थोड़ा सा इंडिकेटर्स का टेक्सचर देख लो, ये वाला जो आ चुका है। और इस गाड़ी के अंदर में टायर साइज़ डिफरेंट है 150 के कंपेरिजन में, इसका डिस्क ब्रेक का साइज़ डिफरेंट है, सारी चीज़ डिफरेंट है, तो सारी बात करेंगे चलते चलते राइड के साथ में। एंड सबसे पहले मैं इसमें लगाता हूँ ये की, ओके 1 2 3 सी दिस, तो इसका टैकोमीटर है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। अभी इस गाड़ी को चलाते हैं, पहले राइड का एक्सपीरियंस लेते हैं, एज यूजल हम प्रैक्टिकल करते हैं हमेशा गाड़ियों पर, फिर उसके बाद ही आपको कुछ बताते हैं। E20 कंप्लाइंट फ्यूल के साथ में गाड़ी आती है, तो अभी इसमें सेफ जोन के लिए थोड़ा फ्यूल डाल लिया है मैंने उसके भाई। इसमें आपकी बार ये बहुत अच्छी चीज़ है कि दोनों ही गाड़ी में, चाहे 150 हो चाहे आपकी N160 हो, दोनों ही गाड़ी में सब कुछ बढ़िया है भाई, क्या बात। साउंड के पर्पज़ से भाई एक नंबर यार। मतलब मैं सच्ची बोलूँ ना आप लोगों से दोस्तों, एक बात के लिए कि अगर हम कंपेयर करें 160 को 150 से, जी हाँ फ़र्क है 10 cc का, पर रिफाइनमेंट और चलाने में दोनों में ही काफ़ी फ़र्क है यार। उसका हैंडल भी काफ़ी सही चल रहा है, एंड आपकी मैन्यूवरिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत बढ़िया है। और सामने भाई लोग मेरे लिए कर रहे हैं शूट, तो ज़रा फिफ्थ गियर को हम लगा कर देखते हैं। हाँ जी फिफ्थ गियर, फोर्थ गियर मैंने लगाया हुआ बिकॉज अभी इसका मीटर बंद है, तो मैं आपको एक आइडियल स्पीड बता दूँ, अभी 23 से 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मैंने फोर्थ गियर डाला हुआ है, बिकॉज ये न्यू व्हीकल है, बिल्कुल अभी आया है शोरूम पर। एंड हैंडल का थोड़ा सा कलर आपको चेंज दिख रहा होगा, ये ज़रा थिक करा गया है, और ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है। अभी इसका ABS भी बंद है, तो हम लोग अगर इसके ब्रेकिंग करेंगे तो रियर वाला व्हील स्किड करेगा। एंड साउंड की अगर बात करें तो जी हाँ, यही है प्योर बेसी एग्जॉस्ट नोट के साथ में आने वाली बाइक जो 160 सेगमेंट में आती है TVS अपाचे के बाद में। एंड सामने से अगर देखो तो वही लाइट जो है कितनी एक नंबर है इसकी, आप देख लो। अभी मैंने वाइजर अपना डाउन नहीं किया है, बिकॉज अगर मैं इसकी राइड क्वालिटी की बात करूँ तो भाई आप इसको सिटी, हाईवे, टूरिंग दोनों तीनों में आप आराम से यूज़ कर सकते हो बिना टेंशन के भाई, बिंदास होकर के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। और अगर मैं इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाऊँ, वाह 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 भाई वाह, इसके अंदर में पिकअप में काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क है जो कि मेरे को फील हो रहा है। एंड मैंने यहाँ गियर को शिफ्ट करा, अच्छा कुछ इसकी प्रैक्टिकलिटी वाली बातें करते हैं। ये आ गया इसमें USB चार्जर जो कि आपको बिल्कुल यहाँ मिलता है। अब कुछ इसके स्पेक्स मैं आपको बता दूँ, फिफ्थ स्पीड गियर्स के साथ में ये आती है, फ्यूल रेंज यहाँ बताती है, फ्यूल इकोनॉमी बताती है, आप बटन से यहाँ से आप टोकल करके चेंज कर सकते हो कितना देती है, तो इसके ऊपर भी बातें करेंगे। सारी चीज़ भाई ऑल इन वन। अगर मैं इसकी बिल्ड की बात करूँ, क्वालिटी की सॉलिड है भाई, ये पूरा जो है फाइबर का नहीं है, मेटल है, बस ये वाले जो श्राउड्स वाले पार्ट्स हैं इसके, ये मेटल पर लगे हुए हैं। बजाज से जो उम्मीदें थी वो यार हमेशा ऑलवेज खरी उतर रही हैं अब बजाज की गाड़ियों के साथ में, तो थोड़ा सा मैं इसको फास्ट एंड फ्यूरियस की तरीके से भगाने भी वाला हूँ। अभी मेरे आसपास का जो व्यू है आप वो देख करके बताओ कैसा लग रहा है यार, ये डैशबोर्ड इतना कमाल है ना, मेरा दिल आ गया है सच्चे में यार इस पर, यकीन मानो दोस्तों मज़ा आ रहा है मेरे को इस बाइक को चलाने में, एक अलग ही फील आ रहा है भाई।
साउंड को एग्जॉस्ट का साउंड सुनाऊं तो ये आप सुन सकते हो। चार्जर आपका आ चुका है यूएसबी का, चार्जिंग पोर्ट आप यहाँ पे लगा के कुछ भी माउंट कर सकते हो इसको चार्ज। एंड क्लच का फील बहुत अच्छा भाई, वेरी सॉफ्ट वेरी इजी क्विकली, मतलब बहुत अच्छा है, स्मूथ है यार एक तरीके से अगर मैं आपसे बातें करूँ इन सब चीज़ों के बारे में। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई देखोगे तो सही बोलूँ ना, गाड़ी भाई एक नंबर चलती है भाई, किसी प्रकार की कहीं कोई मेरे को शिकायत लगती नहीं है इस गाड़ी के अंदर, कहीं भी नहीं लगती। भाई साउंड्स आर वेरी क्रेजी यार और वेरी रिफाइन इंजन, दिस इज प्योर थ्रिलिंग मशीन यार, मज़ा आ गया। हैंडलिंग देखो भाई, हैंडलिंग स्लो स्पीड पे फिफ्थ गियर भाई, देखते हैं भाई कितना आरपीएम तक जा पाता हूँ मैं। जी हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और अभी इसकी करेंगे थोड़ी सी डिटेल रिव्यू जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है भाई, डिटेल में बातें जी हाँ चर्चा इस टॉपिक पर कि बाइक का ओवरऑल मेरे को जो कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक्सपीरियंस के बारे में मैंने बात कर ली आपको, राइड क्वालिटी के बारे में बात कर ली, फ्यूल इकोनॉमी कितना देती है अपने इंडियन कंज्यूमर्स के लिए भाई सबसे पहली बात। थोड़ा मैनूवरिंग देखते हैं इसकी, यस मैनूवरिंग भाई मस्त है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भाई, बढ़िया चल रही है एकदम। एंड अगर हम लोग इसकी बात करें कितना देती है तो आराम से भाई आपको सिटी में ये बड़े आराम से 45 से 50 के एमपीएल दे देगी, डिपेंड ऑन योर राइडिंग कंडीशन एंड एक्सीलेशन आप कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं या मतलब ग्रेजुअली देते हैं या कंसिस्टेंसी के साथ देते हैं। तो भाई मैं ऑलवेज बोलूँगा सही तरीका आप लोगों को बताता हूँ, मान लीजिए गाड़ी अभी आपकी थर्ड गियर पर है ठीक है, तो आपको बड़े प्यार से गियर शिफ्ट करना है ठीक है ओके इस तरीके से, देन उसके बाद में आप ईज़िली आप इसको 3500 एंड 4000 आरपीएम की रेंज में चलाइए मैक्स टू मैक्स, तो अभी आपको बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट चेंजेस वाला माइलेज देने वाली है गाड़ी, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा एक चीज़ आपको बहुत अच्छी बता दूं, ये व्यू आप देख रहे होंगे मिरर्स के अंदर में, पीछे का आप अच्छे से विजिबल कर पा रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे, एंड इधर से भी आप देखिए लेफ्ट राइट में मेरे सारा कुछ बहुत अच्छे से आप लोग कर पा रहे हैं। हमने से यार स्पेशली थैंक्स यार भाई लोगों को कि यार मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, कुछ ये सिनेमैटिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है क्योंकि आप लोगों को बताए मेहनत लगती है एफर्ट लगती है, तो यार एक काम ज़रूर करना जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करना, कोई क्वायरीज है प्लीज़ यार उसके लिए भी कमेंट करना, शेयर जरूर कर देना हमारे चैनल पर इस वीडियो के थ्रू आए हो, जरा भी हमारा कंटेंट आता है आप लोगों को बाइक के रिव्यू राइड से रिलेटेड तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। जी हाँ ब्लॉगर आकाश चतुर्वेदी मेरी यूट्यूब है, ब्लॉगर आकाश चतुर्वेदी मेरी इंस्टा की आईडी है। अभी थोड़ा सा मैं इसका लीन एंगल चेक करूँगा, थोड़ा सा लील एंगल अच्छे से चेक करते हैं। जी हाँ बहुत बढ़िया भाई, इतना हाफ ड्राइव मत करना बिकॉज हर बाइक का करेक्टर होता है थोड़ा सा चेंज। अब मैं आ चुका हूँ अपने रिव्यू वाले पॉइंट पर, जी हाँ जहाँ पर हम डिटेल रिव्यू करते हैं गाड़ियों का अक्सर सनसेट के साथ में, और अपना जो व्यू पॉइंट है भाई अब आती है भाई सारी चीज़ों की जानकारी, कैसा एग्जॉस्ट नोट है इसका। सबसे पहली आइडल आरपीएम आपका 1.5 के रहने वाला है, मतलब 1 के अंदर में, और ये आप सामने से देखो भाई लाइट, ये चीज़ यार इस पॉइंट को देखो, एंड ये आ गया इसका पास, तो आप देखो भाई लग रही है एक नंबर भाई साहब, ये चीज़ भाई ये चीज़ बहुत यूनिक बनाई है, ये चीज़ आप देख के बताओ भाई अच्छी लग रही ना। एंड इसका टायर साइज़ भी अपग्रेडेड है, इसका डिस्क साइज़ भी अपग्रेडेड है। थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफली जानकारी दे दूं, क्रेमिका के ब्रेक सेटअप के साथ में ये पूरा कम्प्लीटली आता है, एबीएस है इसके अंदर, जी हाँ ड्यूल चैनल एबीएस है, तो कम्प्लीटली ड्यूल चैनल एबीएस के साथ में ये गाड़ी आती है। सिंगल हॉर्न है, और जो साइलेंसर है इसके ऊपर एक शील्ड लगाया गया है जिससे कि आपको रस्टिंग वगैरह से प्रोटेक्शन मिल पाए। अंडरबेली एग्जॉस्ट है, डुअल स्टैंड इसके साथ में आने लगा है जी। अगर आप इसके फुटरेस्ट की क्वालिटी देखो तो यार ये रबराइज हैं, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी देते हैं। एंड ब्रेक पैडल से भी आप लोग देखोगे तो सारी चीज़ें काफ़ी थिक दे रखी हैं, बेली पैन दे रखा है यहाँ पर। और अगर मैं पीछे के ब्रेक सेटअप की बात करूँ, ये 230mm का डिस्क ब्रेक है गाइस, एंड ये डुअल चैनल के साथ है, क्रीमिका के ही ब्रेक सेटअप के साथ में। बॉक्स सेक्शन जो श्रृंगम जिसको आप कैंची बोल सकते हो, चिमटा बोल सकते हो मैकेनिक भाषा में, वॉक सेक्शन है, ये आपको मड फ्लिप मिलता है जिससे कि कुछ भी मड या कीचड़ नहीं आए। अगर आप बारिशें नहीं है तो आप इसको उठा के ज़रा स्पोर्टी बना सकते हो। एंड अगर पीछे से लाइटिंग की अगर हम बात करें तो जी हाँ लाइटिंग आप देख सकते हो बहुत अच्छी है, एक्स शेप में है,
इंडिकेटर्स बल्ब वाले हैं, बट यहाँ एक बहुत अच्छा सा फील दिया है, टेक्सचर दिया है। ये रात में रेडियम, जैसे आप पीछे से कोई गाड़ी लाइट मारती है तो ये बड़ा हेल्प करता है आपको। सारी गार्ड बिल्कुल ही अंदर की साइड करते हुए दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गेयर्स इसमें फिफ्थ आते हैं, साइड स्टैंड आता है, इंजन कट ऑफ सेंसर आता है, और साथ में क्रैश गार्ड भी आते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके साथ में, ये देखिए अगर ये बॉडी के पार्ट हैं तो जो क्रैश गार्ड है यहाँ से काफ़ी बार है, तो जिससे कि आपकी प्रोटेक्शन अच्छी होने वाली है। सारी प्लास्टिक इसमें ABS प्लास्टिक यूज़ की गई है, जैसे हम देखें, एंड टैंक प्योर मेटल का है, दिस इज़ प्योर मेटल, ठीक है। अब आते हैं इसकी एग्जॉस्ट नोट की बारी पे, दिस इज़ मिड रेंज एंड दिस इज़ दी 2500 to 3000 RPM, एंड ये है आपका ऑलमोस्ट क्लोज टू 6000 RPM एंड टॉप एंड, और यहाँ से आप सुन सकते हो इसकी जरा डीप नोट, कितना अच्छा बेस है, और ये साउंड पटाखे मारने भाई, सिंगल सिलेंडर में पटाखे। और लिमिटर जो हमारा जाता है गाइस इसमें, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 9500 RPM के आसपास, तो इक्वली 10000 तक ये आराम से जाता है। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। जो सामने शॉकर्स हैं ये भी आपके 37mm के हैं, तो जी हाँ, जब शॉकर हैं अब थोड़े से बढ़ चुके हैं। साइड में रेडियम रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, क्या नहीं है इसके अंदर भाई, सब कुछ है, सब कुछ जो आपको चाहिए गाड़ी के अंदर में, जो कि आपको 200cc सेगमेंट में मिलता है, सारी चीज़ें हैं। कि स्कूटर में, इलेक्ट्रिक स्कूटर में इंटरेस्टेड है तो जी हाँ, हम लोगों ने इसके ऊपर भी एक ब्लॉग डाला है, बस ये पूरा की पूरा न्यू अवतार के साथ में आ गया है। वैसे टेस्ट राइड व्हीकल है, बाकी आप देख लो इलेक्ट्रिक में भी काफ़ी सारे फीचर, डिजिटल डिस्प्ले के साथ में आ गया है, और अभी सनसेट हो चुका है, तो भाई यहाँ से निकलने की बारी है। मैं चल रहा हूँ अब शोरूम पर, बजाज की पल्सर N150, जी हाँ, तो काफ़ी सटीक गाड़ी है, काफ़ी सॉलिड गाड़ी है यार, मतलब ओवरऑल मज़ा आ जाता है भाई, और लाइट वेट बहुत है यार, सबसे मेन चीज़ ये लाइट वेट है। साउंड्स आर वेरी क्रेजी यार, साउंड्स में मतलब मैं इसका दीवाना हो गया हूँ, साउंड में इसका भाई कोई कंपैरिजन नहीं है। और डिपर सामने भाई लाइट देखो, अभी थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, तो मैं आपको अच्छे से लाइट का भी ब्रीफली समझा पाऊँगा, सारी चीज़ें कैसी हैं क्या हैं। बाकी का जो था ये N160 है, 160cc के इंजन के साथ आती है, कितना पावर है क्या है सारा कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दे रहा हूँ, कितना देती है सारा कुछ, एंड खेमका बजाज आगरा का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे रहा हूँ, एंड जो भाई लोग हैं वहाँ की जो मैडम लोग हैं उनका भी मैं आपको, सेल्स की जो टीम है उनका नंबर भी दे रहा हूँ मैं आपको, तो प्लीज़ यार कुछ भी अगर आपको क्वायरी रहे तो प्लीज़ यार बात कर लेना उन लोगों से, एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बाकी का सनसेट ऑलमोस्ट क्लोज टू होने को है, और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा अब दिख रहा है मेरे को। होप करता हूँ ये जो मैंने ब्लॉग बनाया है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, इवन ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा यार, क्योंकि आप लोग जब अपना सपोर्ट देंगे, अपना एप्रिसिएशन देंगे, तो काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है, तो सपोर्ट मिलता है, अच्छा लगता है यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। मैंने छोड़ा हुआ है गाड़ी, बिल्कुल सीधी चल रही है, आप लोग देख लो, तो कहीं कोई दिक्कत मेरे को लग नहीं रही है इसमें। अब सामने से थोड़ा सा रील वगैरह शूट कराते हैं भाई बढ़िया से एक। अच्छा गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ऑलवेज़ आपकी जो बाइक के इंजन से उनकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए जो मेन चीज़ है, मैं अभी आपको बताना भूल गया, इसी पॉइंट में मैं कवर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी की टॉप स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर, तो उसको एटलीस्ट यार आप 90 से 110 की रेंज में ही चलाइए, बिकॉज 70% जब आप इंजन से पावर लेंगे, 100% नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ इंप्रूव होती है। इसके लिए मेक श्योर यार आप लोग ध्यान रखा करो कि जो रैब लिमिटर है जिसको बोलते हैं, वहाँ तक ना जा करके उससे करीबन 2500 में पहले ही आप शिफ्ट कर लो। वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ भाई 160 से आपकी जो 150, 160, 200 है, इसमें 4500 के मैक्स आउट कर दिया करो चेंज। अगर आप ड्रैग रेसिस वगैरह कर रहे हैं तो बात अलग है, पर मत ही करो यार, वो सेफ्टी के लिहाज से भी अच्छी नहीं है। हीरो कहते हैं ना, जैसे 100 में से ओनली 5% बिल्कुल आपको फील आएगा कि एक इंजन चल रहा है नीचे आइडल RPM में, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी फील नहीं आने वाला भाई, कोई बजिंग नहीं है, कोई वाइब्रेशंस नहीं है यार, यकीन मानना दोस्तों, सही बोल रहा मैं आप लोगों से भाई। मैं आ चुका हूँ शोरूम के अंदर में, जैसे कि आप लोगों को बताया था, हम लोगों ने सारा स्लैब यहाँ कम्प्लीटली इस पेपर बना दिया है, और ये मैं पूरा की पूरा जो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव है इन लोगों से आपकी पूरा की पूरा टॉक टू टॉक आपकी बातें कराऊंगा, जिसमें कि ये लोग अच्छे से ब्रीफली आपको बता पाएंगे। ये N160 है ब्लूटूथ आपकी, इसका जो एक्सोरूम प्राइस है 1,33,651 रुपये, जो इसका RTO चार्ज है 14,565 रुपये, और जो इंश्योरेंस है इसका 11,705 रुपये, जो ऑन रोड कीमत है गाड़ी की 1,64,000 रुपये, 1,64,000 रुपये हो गई सारी की सारी। अच्छा, इसको अगर मैम कोई फाइनेंस कराना चाहे तो क्या आप लोग उसको क्या सर्विसेज देते हैं, कितना डाउन पेमेंट लेकर के इसको आए बंदा जो ले जा सकता है इस बाइक को? सर, फाइनेंस पे अगर बात करें तो इसमें मिनिमम डाउन पेमेंट आप कम से कम भी जमा कर सकते हैं, जैसे कि आप 30 समथिंग
डाउन पेमेंट जमा कर सकते हैं 30,000। डिपेंड ऑन योर सिविल स्कोर, अगर गुड है तो आपको कम से कम डाउन पेमेंट मिल जाएगा, अगर थोड़ा सा कम है तो ज्यादा हायर पड़ जाएगा, यही होता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गाइस इस पे डिपेंड करता है कि अगर आपका जो सिविल स्कोर है अगर वो बढ़िया आप मेंटेन करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इजिली फाइनेंस हो जाएगा। बाकी का गाड़ी आप ले जा सकते हैं यार, बहुत अच्छी गाड़ी है, मैंने चलाया, काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं थे गाड़ी के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा। रिफाइनमेंट NVH लेवल बहुत अच्छा था, RBM जो रियर व्यू मिरर जिसको बोला जाता है वो भी काफी गुड क्वालिटी के हैं। अभी जो है एक्सीलरेशन के साथ जो पहले के टाइम में होता था वाइब्रेशन आते थे, मेरा वो कुछ भी नहीं थे, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें ब्रीफली बताई। और थोड़ा सा हम आज स्पीड के लिए क्षमा जाएंगे, नहीं चेक कर पाए बिकॉज इसका जो ABS सेंसर था वो बनता, तो सेफ्टी के लिए आज से वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई। इंडियन रोड्स में कहीं पे भी पोटहोल आ सकते हैं, कहीं पे भी कोई जानवर आ सकता है, तो अगर हम ब्रेकिंग विदाउट ABS करेंगे तो गाड़ी स्किड करके स्लिप होकर गिर सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, उस वजह से हमने आज स्पीड को नहीं टच किया। मैम मैं एक जानकारी चाहूँगा, इसमें वारंटी वगैरह क्या रहता है? सर वारंटी जैसे कि इंजन की है 75,500 वारंटी देते हैं हम, बैटरी की 1 साल की वारंटी रहती है। और जो इंश्योरेंस है आपका 1+4 आता है जी, जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझाई है, आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा और ये ब्लॉग जरा भी अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर देना, कमेंट जरूर करके जाना, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना है। और ऐसी और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स अगर देखना चाहते हैं चैनल पर इस ब्लॉग के थ्रू आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, मेरी इंस्टा की ID है, कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है ब्लॉगर आकाश चतुर्वेदी जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी जा करके आप मेरे से DM कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। प्लीज यार नंबर मत मांगा करो, देखो नंबर देना पॉसिबल नहीं है, बाकी किसी के भी DM होते मैं इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ, कमेंट्स के भी रिप्लाई करता हूँ। होप यू गाइस ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा, चलो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो के साथ, टिल देन राइट सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, बाय बाय।